जीत गई भाइयों, जीत गई। हमारी टीम इंडिया गोती भाई के पहले कोचिंग मैच में जीत गई और फिर से वही गंभीर चेहरा हमें टीम इंडिया की जीत के बाद भी डगआउट में देखने को मिला। मतलब इतना सीरियस तो हम कभी एग्जाम में नहीं होते, उतना सीरियस गोती भाई हर एक मैच में होते हैं। मतलब मैच के पहले जो हमने प्रैक्टिस वाली फोटोज देखी थी ना, जहाँ पे हार्दिक भाई स्पिनिंग कर रहे हैं, सूर्या भाऊ फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, अब इसे देख के पता चल रहा था कि गोती भाई का एरा चालू हो चुका है। यहाँ पे मैच में सूर्या और गिल बॉलिंग करेंगे और सिराज अर्शदीप ओपनिंग करेंगे। तो आप भी बाद में शॉक मत हो जाना कि भाई ऐसे कैसे हुई। हाँ भाई, इंडिया जीत गई है 43 रन से। अगेन 4+3=7, थाला फॉर द रीजन। हाँ, ये मीम बने होंगे, 100% बने होंगे। पर भाई हमारे गोती भाई को कैसे लगता होगा, साला हेड कोच हम, जीते भी हम, पर फिर से ये धोनी क्रेडिट लेके गया। भाइयों देखो, मैच तो जीत गई इंडिया, पर बिना रोको के मैच देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। पर क्या करें, देखना तो पड़ेगा, सह लेंगे थोड़ा सा। टॉस के लिए आए दोनों तरफ के नए कप्तान। भाई मतलब श्रीलंका वालों का कुछ समझ नहीं आता। मतलब जितनी लड़कियां अपने बीएफ्स नहीं बदलती, उससे ज्यादा श्रीलंका वाले अपने कैप्टन्स बदल देते हैं। मतलब एक ने कुछ नहीं जीता, हटाओ बेंचो, दूसरा लाओ। और जरा हमारे सूर्या भाई को तो देखो, मतलब इतना मायूस। साला सिर्फ नाम का कप्तान बना रखा है इन लोगों ने। मेरे को तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन टीम में खेल रहा है। टॉस के 2 मिनट पहले गोती भाई ने टीम शीट दी है हाथ में। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। इंडिया बैटिंग करने के लिए आई, इस बार रोको नहीं, जयसवाल और गिल, और दोनों ने ही आते ही कूटना चालू कर दिया। दोनों ने ही इंटेंटफुल पारी खेली, पर दिल तो जीता हमारे कैप्टन सूर्या दादा ने। मतलब सूर्या दादा सोच के आए थे, साला बैनर में फोटो बड़ा लगे या ना लगे, कोई इज्जत दे या ना दे, पर मैच में कैप्टन इनिंग जरूर खेल जाऊंगा। सूर्या भाऊ ने सुपला शॉट्स लगा के जबरदस्त 50 लगाई, और हमारे ऋषभ पंत भाई का तो कल पूरा लकी था। भाई के 2 कैच ड्रॉप कर दिया इन लोगों ने। 23 गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाए थे, पर उसके बाद सीधा 49 रन 33 गेंदों में। इंडिया ने 20 ओवर खेल के 213 रन बनाए, और श्रीलंका के अंडरटेकर ने 4 विकेट लिए। अब भाई ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका वाले कितना स्कोर बना पाएंगे, इनके लिए तो हमारे मियां भाई ही काफी है। पर नहीं, इन ओपनरों के सामने तो मियां भाई भी फीके पड़ गए। 15 ओवर्स तक बढ़िया चल रही थी श्रीलंका की गाड़ी, पर उसके बाद जो वो गिरे ना, उसके बाद उठी नहीं पाए। हमारे रियान भाई को बैटिंग करने के लिए टीम में लिया था, पर गोती भाई ने इनसे बॉलिंग करवा ली और हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनवा दिया। मतलब सड़क से उठा के स्टार भाई साहब। मतलब रियान भाई को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि साला मैं यहाँ करने के आया हूँ। तो चलो भाई लोग, अब कुछ तगड़े तगड़े प्यारे प्यारे मीम्स देख लेते हैं। मैं गौतम गंभीर शपथ लेता हूँ कि एक भी CSK प्लेयर ICT में रहने नहीं दूंगा। थाला फॉर द रीजन। इंडिया 1/43 रन। गोती भाई, अरे यार यहाँ भी थाला फॉर द रीजन। भाई साहब अब तो कहना पड़ेगा थाला फॉर एवरी रीजन। बॉलिंग फ्रॉम राइट हैंड, बॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कामिंदू मेंडिस भी लाइक, भाई साहब दोनों हाथ से स्पिनिंग कर रहा था ये बंदा। मतलब व्हाट अ टैलेंट, पर फिर भी जीत नहीं पाए। रियान पराग, मुझे खुद नहीं पता ये लोग मुझे सिलेक्ट क्यों किए। हमारे सीधे साधे रियान भाई को सुनील नारायण बना के छोड़ेंगे गोती भाई। तो बस भाई लोग, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक।